याली मदद, एक और क्वेश्चन जो मौसूल हुआ है वो ये है कि नींद और खाने का क्या ताल्लुक है इबादत से? तो इबादत से क्या ताल्लुक़ है खाने और नींद का? तो अगर हम ज्ञान के अंदर ही देख लें तो पीर ने हमको ये समझाया है कि अगर आप पेट भर के खाएंगे तो फिर नींद बहुत आएंगी, और ऑफ कोर्स फिर आप इबादत मिस कर जाएंगे तो फिर बहुत पछताएंगे। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर हम सिर्फ खाने और सोने के लिए ही आए हैं तो सवाल होना चाहिए हमारे अपने आप से कि फिर हम में और जानवर में क्या फ़र्क है। क्योंकि जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, यानी कि ये तो गफलत की बात हो गई, गफलत की बात हो गई। ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी के अंदर खाना ही ना खाएं, या दुनिया के अंदर हम रहते तो खाना नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी फिजिकल बॉडी की जितनी नीड है उससे ज़्यादा खाना नहीं खाना है हमको। मौला अली के अगर हम मिसाल लें और अगर हम कहते हैं कि हम इमामों के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो मौला अली की एक मिसाल बहुत मशहूर है और सब जानते हैं कि अगर आपके पास चार रोटी हो तो आप दो खाएं, दो रोटी हो तो एक, और एक हो तो आधी। इसका क्या मुराद है कि आप अपनी जितनी भूख है ना उससे आधा खाना खाएं, यानी कि पेट भर कर उससे ज़्यादा नहीं। हम अपनी गफलत में क्या करते हैं कि दो रोटी की भूख है तो तीन रोटी खाते हैं, हाँ, यानी कि भूख लगने से ज़्यादा खाना खाते हैं। फिर हम अक्सर क्या बोलते हैं, आज बहुत खाना खा लिया है, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे, लेकिन वी डू इट अगेन अगेन एंड अगेन, राइट? ओके। इंसान की जिस्म की जितनी नीड है उसको पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन बचपन में देखे हो जब बच्चा ग्रो अप हो रहा होता है उस वक्त उसको कितना खाना खाना होता है, और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसके खाने की नीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है उसको सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स है, पहले से इसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि यंग एज में ही इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जवानी में कंट्रोल कर लेते हैं, बाद में जाकर नहीं। वो शख्स जो उसको जल्दी कैश करता है और कंट्रोल करता है जवानी के अंदर, वो अपनी इबादत के अंदर ज़्यादा ध्यान दे सकता है, क्योंकि इबादत जवानी के अंदर करनी है ना कि बुढ़ापे में जाना। अक्सर लोग समझते हैं हम रिटायर होंगे इसके बाद इबादत करेंगे, लेकिन जवानी के अंदर जो इबादत है, जो आपकी हिम्मत है, आपकी कमर सीधी है, अगर उस वक्त आप खाने पर कंट्रोल करेंगे तो नींद कम आएगी, नींद कम आएगी, इबादत आप कर सकेंगे और इबादत अच्छी तरह से कर सकेंगे, ठीक है? उसका एक और बेनिफिट है कि जो अक्सर जमात नहीं जानती है, खुदावन ताला ने हमको रोज़ी फराम करने का वादा किया है, ये हम सब जानते हैं। किस तरह से किया है अक्सर लोग नहीं जानते हैं। हम क्या समझते हैं कि खुदावन ताला हमको ये फिजिकल रोटी फराम करने का हमको वादा किया है, हकीकत में ये बात नहीं है। अगर आप उन दरवेशों को, आरिफों को देखें, हमारे पैगम्बरों को देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लें अगर हम, कि वो कितने कितने दिन तक गार हिरा में जाकर बैठ कर इबादत करते थे। क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या वो घर में किसी को बता के जाते थे कि मैं उधर बैठा हूँ, रोज़ाना दोपहर को मेरे को खाने दे के जाना, रात को मेरे को खाने दे के जाना, सुबह को मुझे नाश्ता दे के जाना, कभी सुना है आपने ऐसा कुछ? इसका मतलब क्या था कि वो वहाँ पर खाए पिए बगैर बैठ कर इबादत क्या करते थे, यानी कि वो एक एक दिन नहीं, एक एक हफ्ता नहीं, उससे भी ज़्यादा दिन तक बैठ कर विदाउट एनी फूड एंड सम टाइम विदाउट एनी वाटर बैठ कर वो वहाँ पर इबादत करते थे, और इसीलिए वो उसके अंदर कामयाब होते थे। और हमारे पीरों का भी यही शोभा है, वो भी इसी तरह से करते थे कि वो दिनों दिनों तक खाए बगैर खुदा को याद करते थे। तो अब खुदा का जो ये वादा है रोज़ी फराम करने का, अब वो यहाँ पर आकर अप्लाई होता है। वो किस तरह से होता है कि जब आप अपनी अपने खाने पीने को रोकते हैं तो फिर खुदावंद ताला अपना वादा पूरा करता है, वो आपको
एनर्जी फराम करता है, खाना फराम करता है, न्यूट्रिशन फराम करता है। वो किस तरह से? वो न्यूट्रिएंट आती है हवा के ज़रिए से, एयर के ज़रिए से, खुशबुओं के ज़रिए से। अगर आप एक दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसा कर करके 40 दिन तक ऐसा कुछ चिल्ला काटते हैं, आस्ते 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 आपका मुंह बंद यानी कि खाना ख़त्म, और आपका जो नाक है, आपके जो इनर सेंसेस है, वो जागने लगते हैं। जब वो जागते हैं तो हवा के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी है खुशबुओं के साथ, वो आपके नाक के ज़रिए से अंदर आने लगती है। उसके अंदर भी इतनी एनर्जी होती है कि वो आपके जिस्म को एनर्जाइज करती है, आपकी नीड को पूरा करता है, खुदा का वादा पूरा होता है आपके लिए, और आपको खाना ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है। अब आप कहेंगे हमको इसका प्रूफ चाहिए कुरान से, तो आप देखें मरियम के किस्से के अंदर जाकर, जब ज़िकरिया हुजरे में दाखिल होता है यानी कि मरियम के कमरे में, तो क्या देखता है कि मरियम के पास अनसीजन्ड फ्रेश फ्रूट है। तो वो पूछता है कि मरियम तेरे पास ये खाना कहाँ से आया? तो मरियम ने कहा ये मेरे खुदा की देन है, वो जिसको चाहता है देता है। मरियम को वो खाना क्यों मिला था पता है? क्योंकि मरियम को जो फिजिकल खाना मिलता था वो खैरात कर देती थी, खुद नहीं खाती थी, और वो अपने हुजरे यानी कि अपने कमरे के अंदर, हुजरा कहते हैं जो कमरा ऊपर थोड़ा बना हो या प्राइवेट प्लेस, वहाँ पर बैठकर वो इबादत किया करती थी विदाउट खाई पिए। तो खुदा तआला ने अपना वादा पूरा किया और उसको खाना दिया। वो फिजिकल फ्रूट नहीं था, वो खुशबुओं का खाना था, उसको नेचुरली खाना मिल रहा था जिसको वो खाती थी। और चूंकि ज़करिया उस ज़माने के पैगंबर थे, वो उन बातिनी गिज़ाओं को देख पाते थे, तो उसको हैरत होती थी कि ये गिज़ा हासिल करने के लिए कोई शख्स अगर 40 साल की इबादत करे तो शायद जाके मिले वो। लेकिन मरियम ने उसको 16-17 साल की उम्र में हासिल किया था, तो उसकी रियाजत आप सोच सकते हैं कितनी होगी। तो ये मिसालें हैं हमारे पीरों पैगंबरों की और औलियाओं की और उन आला वली या वलियाओं की कि जो इस तरह से इबादत करते थे और दुनिया के खाने को रोक कर इबादत करते थे, तब जाकर उसको खुदावंद अल्लाह का ये वादा पूरा होता था और उनकी तरफ से ये गिज़ा मिलती थी। और वो खुशबू की ज़रूरत के अंदर है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गिज़ा है हमारे जिस्म के लिए, क्योंकि ये गिज़ा जो है ना वो हमारे जिस्म को बीमार करती है। वो गिज़ा जो खुदा की तरफ से मिलती है वो हमारे जिस्म को बीमार नहीं करती है, वो प्योर गिज़ा है, वो हमारी बॉडी को मज़बूत भी रखती है और वो हमारी हमारी बीमारी को हमसे अलग भी रखती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारी बॉडी को बीमार करे, क्योंकि हमारे खाने के साथ बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर आ जाती है। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ क्लेरिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग 40 दिन तक ना खाना खाएं, ये प्रैक्टिस की बात है, ये वो प्रैक्टिस है जो हमारे इमामों ने, हमारे औलियाओं ने, पैगंबरों ने, वली या वलियाओं ने अपने अपने ज़माने में की है, और इस ज़माने में भी लोग करते हैं और बिल्कुल मुमकिन है। और इसका जो तरीका क्या है, आस्ते आस्ते आप अपने खाने को कम करते चले जाएं, लेकिन खाने को कम करने के साथ साथ अपनी इबादत को बढ़ाते जाएं, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप बीमार हो जाएंगे, कमज़ोरी आ जाएंगी। तो खाना कम इबादत ज़्यादा, खाना कम इबादत ज़्यादा, करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे कि जहाँ पर आपको फिजिकल खाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये आप अपना खुद के जिस्म के लिहाज से देखें आप, क्योंकि अगर आप बीमार हैं, आपको खाने की ज़रूरत है, गोलियाँ खाते हैं आप, ऑफ कोर्स यू नीड फूड टू ईट योर मेडिसिन, तो प्लीज़ डोंट टेक दिस इसको फिजिकली, और ऐसा नहीं लेना, आप अपने खुद के उससे देखें हैं। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है, और खाने का और सोने का ताल्लुक बहुत गहरा है, और ऑफ कोर्स जब हम सोते हैं तो इबादत पर उसका असर पड़ता है, तो ये तीनों चीज़ों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। और यही आपका सवाल था, बहुत नवाजिश।
कोई सवाल है तो आप इसके